यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को हुए 1 साल ही हुए हैं कि यहां अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की रेस में कौन जीतेगा, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यूपी में किसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, जहां डबल इंजन की सरकार है। यह प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज कैसा रहता है। वहीं एक सर्वे में मोदी और योगी सरकार के कामकाज पर कितना भरोसा है लोगों का, इस पर लोगों ने अपनी राय रखी है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। न्यूज चैनल एबीपी और मेट्राइस के इस सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सीएम योगी के कामकाज को यूपी में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं इस सर्वे में केंद्र सरकार और पीएम मोदी के कामकाज के बारे में भी लोगों ने अपनी राय दी है। सर्वे के मुताबिक केंद्र सरकार का कामकाज को लेकर 37% लोगों ने बहुत बेहतर माना, 41% लोगों ने संतोषजनक और 22% लोगों ने बेहद खराब बताया। एबीपी न्यूज और मेट्राइस सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के कामकाज को लेकर 52% लोगों ने बहुत बेहतर बताया, 32% लोगों ने संतोषजनक और 16% ने बेहद खराब बताया। इस सर्वे में यूपी सीएम के कामकाज के बारे में भी लोगों ने अपनी राय दी और इसमें जो है पता चला है कि 52% लोगों ने बहुत बेहतर बताया, 27% लोगों ने संतोषजनक और 21% लोगों ने बेहद खराब बताया। वहीं अखिलेश यादव और सीएम योगी में मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है, इस बात पर भी सर्वे में राय ली गई है। और एबीपी न्यूज और मेट्राइस के सर्वे में पता चला है कि इस सर्वे के मुताबिक 61% लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद सीएम योगी हैं। वहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में 24% लोग पसंद करते हैं। वहीं सीएम के तौर पर किसका कार्यकाल बेहतर है, इस पर जब सवाल किया गया और इस पर जो है सर्वे किया गया, तो यहां भी योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं। 42% लोगों ने सीएम योगी को बेहतर माना। वहीं कल्याण सिंह के कार्यकाल को 17% लोगों ने बेहतर माना और फिर मायावती के कार्यकाल को 15% लोगों ने बेहतर माना। इस सर्वे में यूपी में बुलडोजर एक्शन के बारे में भी लोगों से राय ली गई। एबीपी न्यूज और मेट्राइस के सर्वे में पता चला कि 52% लोगों ने इसे माफिया के खिलाफ कारगर बताया और इसके साथ ही 31% लोगों ने कुछ हद तक कारगर कहा और 15% लोगों ने सिर्फ प्रचार का एक तरीका बताया इसको। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक।